अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ब्लड प्रेशर। और ये हमारा आता है जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वाइटल साइंस, उसमें हमने टेम्परेचर, पल्स और रेस्पिरेशन जो है वो हमने जो है प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है। तो इसमें हमारा जो लास्ट रहता है ब्लड प्रेशर, तो आज हम इसके बारे में देखेंगे। तो ब्लड प्रेशर क्या है? ब्लड प्रेशर इज द फोर्स एग्जर्टेड बाय द ब्लड इट इज द फोर्स एग्जर्टेड बाय द ब्लड अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स एज इट फ्लोस फ्रॉम देम। जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उनमें जो ब्लड फ्लो होता है उसकी वजह से क्या है कि उस ब्लड फ्लो से क्या है कि एक जो है प्रेशर एग्जर्ट होता है हमारी ब्लड वेसल्स की जो वॉल्स हैं उसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर। सिंपली ब्लड प्रेशर क्या है? ब्लड प्रेशर इज द फोर्स एग्जर्टेड बाय द ब्लड अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स एज इट फ्लोज थ्रू देम। जो ब्लड जब जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें जो ब्लड फ्लो होता है उस ब्लड फ्लो से क्या है कि एक जो है फोर्स जो है एग्जर्ट होता है हमारी ब्लड वेसल्स की जो है ब्लड वेसल्स के वॉल्स पे, उसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर। और ब्लड प्रेशर इज द अमाउंट ऑफ फोर्स एग्जर्टेड ऑन द आर्टेरियल वॉल व्हाइल द हार्ट इज पंपिंग ब्लड स्पेशली व्हेन द वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट। वो है डेफिनेशंस ऑफ ब्लड प्रेशर। और जो ब्लड प्रेशर जो है ये एक जो है इम्पॉर्टेंट वाइटल साइंस है, जो हमारे वाइटल साइंस में टेम्परेचर, पल्स और रेस्पिरेशन जो आता है उनमें से, और बीपी जो आता है उनमें से, जो बीपी है ये एक जो है इम्पॉर्टेंट वाइटल साइंस है बिकॉज इट एड्स इन डायग्नोस एंड ट्रीटमेंट फॉर कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ। एंड ब्लड प्रेशर रीडिंग्स आर ऑलमोस्ट ऑलवेज टेकन इट एवरी मेडिकल इवन इफ इट इज द ओनली वाइटल साइंस ऑब्टेंड। तो ब्लड प्रेशर में हमारा जो आता है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज द हाईएस्ट प्रेशर दैट ऑकर्स एज द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट इज कंट्रैक्टिंग। जब हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, जब हमारे वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करता है, तब जो हमारा जो ब्लड है वो फोर्सली जो इजेक्ट होता है हमारी एओर्टा में, एओर्टा आर्टरीज में, तब जो ब्लड का प्रेशर होता है उसको बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तब जो ब्लड का फोर्स एग्जर्ट होता है हमारी वाल्व्स पे, ब्लड वेसल्स के जो वाल्व्स हैं उसको बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सो सिस्टोलिक प्रेशर इज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रेशर एग्जर्टेड बाय द ब्लड अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल ड्यूरिंग द वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल व्हेन द लेफ्ट वेंट्रिकल इज फोर्सिंग द ब्लड इन द एओर्टा, उसको बोलते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और नेक्स्ट हमारा आता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है ये हाईएस्ट प्रेशर होता है, ठीक है ना। और जो डायस्टोलिक प्रेशर जो है इज द लोवेस्ट प्रेशर लेवल दैट ऑकर्स व्हेन द हार्ट इज रिलैक्स्ड एंड द वेंट्रिकल इज एट रेस्ट एंड रिफिलिंग विद ब्लड। जब हमारा जो हार्ट उसके बाद जो होता है कंट्रैक्शन के बाद हमारा हार्ट रिलैक्स्ड होता है, उस समय जो ब्लड का जो प्रेशर होता है, ब्लड का जो फ्लो होता है ब्लड वेसल्स में, उस समय जो फोर्स जो एग्जर्ट होता है हमारी ब्लड वेसल्स के जो वॉल्स हैं उसमें जो प्रेशर होता है ब्लड का, उसको बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सो डायस्टोलिक प्रेशर इज द लोवेस्ट प्रेशर दैट ऑकर्स व्हेन द हार्ट इज इन रेस्टिंग पीरियड। जब हमारा जो हार्ट है रेस्टिंग पीरियड में होता है तब जो प्रेशर जो होता है ब्लड का उसको बोलते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो हमारे इसमें आते हैं दो, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है ये हाईएस्ट प्रेशर होता है, और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है ये होता है लोवेस्ट ब्लड प्रेशर। एंड व्हाई द ब्लड प्रेशर इज रीड इन मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी। और जो इसका जो स्टैंडर्ड यूनिट है, द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर इज मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी, और ये हम मेजर करते हैं mmHg मिलीमीटर्स ऑफ मरकरी। ब्लड प्रेशर इज रिकॉर्डेड यूजिंग जस्ट द सिस्टोलिक हाईएस्ट ब्लड प्रेशर रीडिंग ओवर द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर सिमिलर टू राइटिंग ए फ्रैक्शन। लाइक हमारा जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो है 120/80। तो जो 120 जो है ऊपर वाला जो है ये है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और जो 80 जो है वो है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। 120/80, 120 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है एंड 80 जो लोवेस्ट जो है ये है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो जो ब्लड प्रेशर जो है ये हम रीड करते हैं, ये हम मेजर करते हैं इन mm ऑफ Hg मिलीमीटर्स ऑफ
मरकरी। नेक्स्ट हमारा इसमें आता है क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लड प्रेशर फॉर एडल्ट एज एंड अदर्स। तो नॉर्मल जो है, नॉर्मल में हमारा आता है सिस्टोलिक जो है लेस देन 120 और डायस्टोलिक लेस देन 80। तब हम बोलते हैं कि ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल है। प्री हाइपरटेंशन में है 120 to 139 एंड डायस्टोलिक जो होता है इसमें 80 to 89। स्टेज 1 हाइपरटेंशन में होता है 140 to 159 एंड डायस्टोलिक जो होता है वो है 90 to 99 एंड स्टेज 2 हाइपरटेंशन में होता है ग्रेटर देन 160 एंड और डायस्टोलिक होता है ग्रेटर देन 100 एंड एवरेज ऑप्टिमल ब्लड प्रेशर फॉर एज। तो एज के हिसाब से जो है ब्लड प्रेशर वेरी होता है। न्यू बॉर्न में जो होता है 40 mmHg मीन जो होता है इसका होता है 40। 1 month के जो होते हैं उनका होता है 85/64। 1 year के जो होते हैं 95/65। 6 years का 105/65 एंड 10 to 13 110/65। 14 to 17 120/75 एंड जो एडल्ट होते हैं ग्रेटर देन 18 उनका होता है लेस देन 120/80। नेक्स्ट हमारा आता है पल्स प्रेशर। तो पल्स प्रेशर क्या है, इज द डिफरेंस बिटवीन द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक रीडिंग। जो हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है इनके बीच में जो डिफरेंस इनका जो होता है उसको बोलते हैं पल्स प्रेशर एंड कैलकुलेटेड बाय सबस्ट्रैक्टिंग द डायस्टोलिक रीडिंग फ्रॉम द सिस्टोलिक रीडिंग। जैसे हमारा जो नॉर्मल है 120/80 तो 120 - 80 सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक जो आता है 40 mmHg उसको बोलते हैं पल्स प्रेशर। नेक्स्ट हमारा आता है इसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग ब्लड प्रेशर। कौन कौन से फैक्टर्स है जिससे हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो अफेक्ट होता है। लाइक एक्टिविटीज सच एज स्टैंडिंग सिटिंग और लाइंग डाउन कैन अफेक्ट ब्लड प्रेशर। लाइक अगर हम स्टैंडिंग पोजिशन में हैं, खड़े हैं, या सिटिंग और लेइंग डाउन जो है उसमें क्या है कि जो ब्लड प्रेशर वो अफेक्ट होता है। एडिशनली द ब्लड प्रेशर रीडिंग इन द राइट आर्म इज यूजली 3 to 4 mmHg हायर देन इन द लेफ्ट आर्म। जब हम राइट आर्म में जो है ब्लड प्रेशर रीड करते हैं लेते हैं तो उसमें क्या है कि 3 to 4 mg जो होता है वो ज़्यादा होता है देन लेफ्ट आर्म। सो इट इज ऑफन रिक्वायर्ड टू डॉक्यूमेंट विच आर्म वॉज यूज फॉर द ब्लड प्रेशर रीडिंग। तो उसके बाद जब हमने जो है डॉक्यूमेंटेशन करनी होती है, लिखना होता है, तो उसमें हमने लिखना होता है कि हमने किस आर्म से जो है ब्लड प्रेशर लिया है। एंड न्यूमरस अदर सिचुएशन दैट कैन अफेक्ट ब्लड प्रेशर रीडिंग्स आर लिस्टेड इन टेबल। लाइक एलिवेटेड इंक्रीज बीपी किसमें होता है और लवर्ड और जिसमें जो ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज होता है। लाइक एंगर, सर्टन ड्रग थेरेपीज, निकोटीन, कैफीन, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स, फियर, एक्साइटमेंट, लेट प्रेगनेंसी, लिवर डिसीज। तो इन सब कंडीशंस में जो है ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता है और एनीमिया, अप्रोचिंग डेथ, कैंसर, सर्टन ड्रग्स, नारकोटिक्स एंड डिक्रीज आर्टेरियल ब्लड वॉल्यूम, हीमोरेज। तो इन सब कंडीशन में क्या है कि जो ब्लड प्रेशर है वो कम होता है। एंड लाइक लाइंग डाउन पोजिशन विद लेग्स एलिवेटेड, ऑब्सटी पेन, रिनल डिजीज, वेसो कनेस्ट्रिंग और नेरोइंग ऑफ पेरिफेरल ब्लड वेसल्स। तो इनमें क्या है कि जो ब्लड प्रेशर वो एलिवेट होता है और डिहाइड्रेशन, शॉक, स्टार्वेशन, सडन पोस्टरल चेंज, वीक हार्ट। तो इन सब कंडीशंस में क्या है कि जो ब्लड प्रेशर जो है वो कम होता है, वो डिक्रीज होता है। तो ये फैक्टर्स जिससे क्या है कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो अफेक्ट होता है। ओके, थैंक यू।